सुनो लूसी और पुसी, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। मुझे घर वापस आने में थोड़ी देर होगी और इसीलिए मैं जब तक वापस नहीं आ जाती तब तक तुम लूसी तुम घर का ख्याल रखना और पुसी तुम फ्रिज का ख्याल रखना ताकि कोई कुछ खा ना ले उसमें से। आंटी का ये विचार मुझे पसंद नहीं आया। मेरे टाइम घर, तेरे टाइम खाना, जिस पे जो सूट करता है। ठीक है, किस पे क्या सूट करता है समय आएगा तब पता चलेगा तुझे। नींद आ रहा है, थोड़ा जाके सो जाता हूँ। लेकिन लूसी पे मुझ पे भरोसा नहीं। मौका मिलेगा तो वो फ्रिज खोल के सारा खाना खा जाएगा। उससे अच्छा जाके मैं फ्रिज के पास ही सो जाता हूँ। जा रहा हूँ। अरे ये पुसी ठीक फ्रिज के सामने ही सोया है, अब क्या करूँ। एक आइडिया आया है मुझे। हेलो, तुम आज मेरे साथ लंच करना, जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे पास, जल्दी आओ। ठीक है लूसी, मैं अभी आ रहा हूँ। शाबाश लूसी, शाबाश, इसी को कहते हैं अत्यधिक चतुर। अरे ये क्या, मैं तो पुसी को बोली थी कि खाने का रखवाली करना, ये तो यहाँ पे पड़े पड़े सो रहा है। पुसी, ए पुसी, मैं तुझे क्या बोली थी कि खाने का पहरेदारी करना, तुम यहाँ पे सो रहे हो। हाँ, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए आंटी, मैं फ्रिज में एक मक्खी भी बैठने नहीं दिया हूँ। हाँ, ये क्या, यहाँ से खाना कहाँ चला गया, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं हूँ। हाँ, कहाँ गया। हाँ, तुम यहाँ से हिले भी नहीं, इसीलिए मेरे फ्रिज में से सारा खाना गायब हो गया। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी बात ना मानने की क्या सजा होती है। विश्वास कीजिए आंटी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। रुक, बचाओ 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 बचाओ, मत मारो आंटी, मत मारो। रुक रुक रुक, अभी रुक रुक, बताती हूँ तेरे को। रुक, सब समझ गया पुसी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वही तो सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं ही कुछ सोचता हूँ कि क्या किया जाए उन लोगों का। जो सोचना है जल्दी सोचो। सुनो लूसी, मैं बाजार जा रही हूँ, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम फ्रिज का ख्याल रखना। जिस पे जो सूट करता है, क्यों लूसी, है ना। अब तुम्हें समझ में आएगा बेवकूफ, दूसरों को फंसाने का क्या नतीजा होता है। ए तो खाने के डिलीवरी वाले का आवाज लग रहा है, लग रहा खाना लेके आया है। जा रहा हूँ पुसी,
देखना लेट डिलीवरी आया है, उससे पहले मैं खाना खा लेता हूँ। जमादार आइडिया था, अब टाइम वेस्ट मत करो, चलो फटाफट खा लेते हैं इस खाने को। हाँ 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 चलो खाते हैं चलो। लूसी ये तुम्हारे हाथ में क्या है? एक खाने का पार्सल है, आपके लिए मंगवाया हूँ, लीजिए लीजिए ये देखिए। रुको देख रही हूँ, उससे पहले जाके देखती हूँ फ्रिज का खाना सही सलामत है कि नहीं। मैं पूसी को फ्रिज के आसपास भटकने नहीं दिया हूँ आंटी जी। अरे ये क्या, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये बाद में देखूंगी, पहले मैं इस पार्सल को खोलती हूँ फिर इसी में भरकर तुम्हें पार्सल कर दूंगी। अच्छा ऐसी बात है, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, रुक तेरे को बताती हूँ, तेरे को पीट पीट के लाल कर दूंगी, रुक। बचाओ 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 बचाओ, आंटी नहीं आंटी नहीं नहीं मत मारिए आंटी। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ओम तरपुक, ये देखो एक सादा कबूतर, देखो कैसा है। ओम तरपुक थरछुक, ये देखो आइसक्रीम चॉकलेट का पेड़, जिसको खाना है खा लो। ये लड़का मेरे बहुत काम आ सकता है, बैंक मैनेजर का बैग लूटने में मेरा मदद कर सकता है, जा रहा हूँ उससे बात करने। वायो तुम बहुत अच्छा मजीशियन हो, मैं सीआईडी रघु शर्मा, मैं एक स्मगलर को पकड़ना चाहता हूँ, तुम मदद करोगे मेरा? हाँ बोलिए ना, मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सुना हो कि यहाँ से कुछ देर बाद एक आदमी सूटकेस लेके जाएगा, वो स्मगलर है, वो हमारे देश में स्मगलिंग करता है, उसको अरेस्ट करने में तुम मेरा मदद करोगे? बताओ करोगे तुम? हाँ जरूर जरूर, हम आपके साथ हैं। वो देखो स्मगलर आ रहा है, तुम अपने मैजिक से उसे रोक दो, उस स्मगलर को फिर मैं पकड़ लूंगा और उसे पकड़ के जेल में डाल दूंगा। तुम नहीं जानते हो उस स्मगलर को हथियार स्मगलिंग करता है। ठीक है ये बहुत अच्छा बात है। रुकिए रुकिए, वहां से एक पाव मत आप मिलिए। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। अरे बाप रे, छुक छुक। रुक जाओ आगे मत बढ़ो वरना गोली चला दूंगा, मैं बोल रहा हूँ ना। ये क्या हुआ? अरे वो क्या, वो तो असली बंदूक नहीं है, वो तो खेलने वाला है, नकली बंदूक है। आगे छट का बंदूक के बाप नहीं है। अब जो करना है मैं करूँगा, देखते रहो। हाँ
तुम लोग क्या किए ये? एक चोर का साथ देके बैंक का पैसा लुटवा दिए। मैं क्या जवाब दूंगा अपनी सरकार को? मुझे अब जेल जाना होगा। बैंक का पैसा ले जा रहा है? हाँ, वो बैंक का ही पैसा था। मैं बैंक में से कैश लेके ऑफिस में जमा देने जा रहा था। तुम दोनों के वजह से क्या हो गया? अरे ये क्या बात है, लेकिन वो तो बोला कि आप बहुत बड़ा आतंकवादी है, इसीलिए तो हम दोनों मिलकर। जो हो गया सो हो गया, जल्द ही उस चोर को पकड़ो। अरे हम दोनों से क्या हो गया, चलो चलो उसको पकड़ते हैं। चल अरे चल 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 जल्दी चल, संग में मैं भी जाऊंगा। अरे कप्पू वो देखो कैसे जा रहा है, हम उसको पकड़ने का जल्दी प्रयास करते हैं। जो सामने पत्थर का मूर्ति है वहीं से रुकेगा। वाले भैया रुक जाओ भागो मत, नहीं तो पत्थर का मूर्ति दिख रहा है ना, वही पकड़ के तुम्हें पीटेंगे। ये बेजान पत्थर की मूर्ति मेरा क्या कर लेगा, डरवाओ मत मुझे। हाँ ये बात तब देखो क्या करता है। ओ छुप 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 छुप। क्या बोले हो? मैं विजन पत्थर का मूर्ति हूँ तो फिर ये लो। अंकल ये लीजिए आपका सूटकेस। बेटे तुम तो मेरे पैसों को बचा लिए, लेकिन इस चोर को जेल में डालना पड़ेगा। अरे ये बात तो सचमुच बोले आप, इसको जेल खाने में जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो इसे घसीट के थाने में लेके चलते हैं। माँ जल्दी से खाना दो, स्कूल जाने में देर हो रही है। हाँ दे रही हूँ, ले खाना खा ले। अहना सरल सीधा स्वभाव की एक ग्रामीण लड़की है, लिखने पढ़ने में बहु लोगों की तरह ही। अहना अपने माता पिता के साथ रामलीला देखने गई थी, आज उसका ऐसा ही हुआ। उफ, आज भी देर हो गई स्कूल आने में। ओह जाने दो, नहीं जाऊंगी पढ़ने, जा रही हूँ बगीचे में घूमूंगी और समय बिता के शाम को घर जाऊंगी। अरे शर्मा जी के आम के पेड़ पे कितने सारे आम हुए हैं, पके भी हैं। जाती हूँ, जाके एक दो तोड़ती हूँ। अरे पेड़ की डाल पर कौन बा रे, उतर जो बोला तानी। अरे माली ने देख लिया। अरे उतरे के बोला तानी। हाँ हाँ उतर रही हूँ। चोर कहीं के तू पूरा दोपहर में आके दूसरा के पेड़ से आम तोड़ा था रे। उतर। फिर यदि तो के बगान में देख ली तो मार के तोरा हाथ पांव तोड़ डाला, सुन ले। रुक माली, मुझे मौका मिलेगा ना तो इसको अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। इधर उसी दिन रात के समय अहना के घर के सामने मैदान में रामलीला थी। मैं काल रूपी मृत्यु हूँ, यमराज मेरा नाम है। इस भयंकर काल दंड से मैं रावण का वध करूंगा। सभी मन लगा के रामलीला देख रहे हैं। यही सही मौका है, जाके शर्मा जी के बगीचे में आम तोड़कर सारा नुकसान करके
उस माली को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। गुस्से में तो मैं आ गई, लेकिन इस अंधेरे में शर्मा जी के बगीचे में जाने से तो डर लग रहा है। है लड़की, कहाँ जा रही हो? लगता है यादव के बगीचे में माली को सजा देने जा रही हो। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? माली जब तुम्हें डांट रहा था तब मैं दरवाजे के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। सुनी, माली के ऊपर मुझे भी बहुत क्रोध है। चलो हम तुम दोनों मिलकर उसे सजा दें। आओ मेरे साथ। अरे वो आदमी कहाँ चला गया? चाचा जी, ओ चाचा जी, सुन रहे हैं? ऐ लड़की मिल गई जो तू, हम लोगों के साथ आनंद से नाच करो तक दिन दिन। माँ, ये तो भूत लोग हैं, अब क्या करूँगी? अब खाऊंगा, अब खाऊंगा हर मन से, अब खाऊंगा चबा चबा। छोटी लड़की आओ मेरे मुंह में, चबा चबा कर खाएंगे, चबा चबा कर खाऊंगा। अरे छोटी लड़की, मैं तुमको कैसे खाऊं? मुझे भी मुलायम मांस खाने का मौका मिला है। खाऊंगा खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, भाग मैं पाऊंगा। इन भूतों से कैसे भी करके बचना होगा। मैं भी खाऊंगी, हड्डी पसली तोड़ तोड़ के खाऊंगी, तुम्हारे हड्डियों का रॉकेट बना के उड़ के चली जाऊंगी। अरे ये कौन है रे? तुम मनुष्य हो न और कोई हो? अरे बाप रे बाप, जो जहाँ पे है सो जल्दी भागो, ये मामूली लड़की नहीं है। नहीं, अब मैं यहाँ से भागती हूँ। उसके बाद से ही अहना यादव जी के बगीचे में और किसी दूसरे रात नहीं गई। ये है गोपाल फाड़। महाराज, सर्वनाश हो गया है। क्या हुआ है? आपकी दी हुई हीरे की अंगूठी मिल नहीं रही है महाराज। क्या, तुमने मेरा दिया हुआ उपहार खो दिया? इसके लिए कठिन से कठिन सजा मिलेगी। महाराज, जो मैं गलती की हूँ उस गलती की सजा अब जो देंगे मैं सर झुका के लूंगी महाराज। तो ठीक है, इसी क्षण तुम मेरा राजमहल त्याग कर चली जाओ। महाराज, यही मेरा आदेश है, आज रात में ही तुम राजमहल छोड़कर चली जाना। रानी माँ, रोने से कोई फायदा नहीं, अब क्यों नहीं गोपाल को बुलाती हैं? उनसे बोलकर देखिए, वो हो सके तो इस समस्या का कोई समाधान ढूंढे। हाँ, बात तो तू ठीक बोल रही है, तो फिर जा जल्दी से गोपाल को बुला के ला। अभी जा रही हूँ रानी माँ। बहुत दुख की बात है रानी माँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ मैं कहाँ तक क्या कर सकता हूँ। नहीं गोपाल, एकदम नहीं। तुम जितनी भी विनती कर लो गोपाल, आज मैं तुम्हारा बात नहीं सुनूंगा। रानी को जो मैं सजा दिया हूँ वो सजा बरकरार रहेगी। हाँ, रानी जाते समय उसका जो प्रिय होगा वो ले जा सकती है, यह बात रानी को बता देना। ठीक है महाराज।
रानी माँ, आप समझ गई है ना आपको क्या करना होगा? हाँ गोपाल। ठीक है ठीक है, तो रानी माँ अब आप इधर संभालिए और मैं उधर जाकर संभालता हूँ। ठीक है गोपाल। महाराज, आपकी सजा के आदेश पे मैं महल छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक अनुरोध है, अगर आप सुने तो। ठीक है, तो बताओ क्या है तुम्हारा अनुरोध? महाराज, मैं जाने से पहले आपके लिए शरबत बनाई हूँ, अगर आप पी ले तो। ठीक है, तो दो तुम्हारा शरबत। रानी माँ, पालकी तैयार है, अब आप आइए। और महाराज। अरे आओ तुम लोग। अब उठाओ महाराज को। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो मेरा राजमहल नहीं है। ये क्या रानी, तुम अब तक यहीं हो? महाराज, मैं आपका राज्य त्याग कर आ गई हूँ, ये मेरा मायका है। यहाँ मैं कैसे आया? महाराज, पिछले दिन आप ही ने तो कहा था कि मुझे जो प्रिय होगा मैं लेके जा सकती हूँ, तो एक पत्नी के लिए पति ही तो प्रिय होता है, निकट होता है, इसीलिए। सच बताओ तो यह बुद्धि किसकी है? जी महाराज, मेरा है। सचमुच गोपाल, तुम्हारा बुद्धि का मैं कैसे तारीफ करूं? महाराज, अब आप रानी माँ को क्षमा कर दीजिए। हाँ जरूर जरूर, रानी मैं तुम्हें मन से क्षमा कर दिया। गोपाल, उच्च बुद्धि के लिए यह लो तुम अपना इनाम।